गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ये है कि आकाश जा रहा है दुबई में, तो अभी हम उनके घर पे आए। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था क्योंकि कल का एक व्लॉग था मेरा पिकनिक का, तो वो मुझे एडिट करना था, तो एडिट भी करना मस्ट होता है। तो फिर ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बन गया तो व्लॉग पोस्ट कर दिया। यूट्यूबिंग करना बहुत मुश्किल है, मुझे अभी पता चला है कि बहुत टफ है कि एडिटिंग करना, बाद में आप वीडियो पोस्ट करना, तीन तीन चार चार घंटे वेट करना एक वीडियो को अपलोड होते हुए देखते। तो अभी हम आए आकाश के घर पे। मेरा फ़ोन बिल्कुल बैटरी लो थी तो अभी चार्ज हुआ है, तो मैंने व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है। ये सिंथिया बैठी हुई है पीछे मेरे, ये स्मैंता है, और अभी मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। ये अम्मी है, आकाश का सामान पैक हो रहा है। ये अम्मी आई है आकाश का सामान, ये इसकी एनिवर्सरी है फर्स्ट मंथ की। और पापा क्या देख रहे हो? ये खाला आई हुई है, ये खालू आए हुए हैं, ये पापा है मेरे, और ये तिमर एज इट। ये सामान आकाश का सामान रेडी हो गया, गिटार भी लेके जा रही है, वहाँ जाके चर्च में बजाएगा ये। कादर मतलब जिंदा आपकी जलाली सुभानी बाप तेरा शुक्र करते हैं बाप सुभानी जब खुदाम पाक खुदा जोड़े के लिए खुदाम जब आप दो महीने हैं तो खुदाम पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं तूने शादी को खुदाम पाक खुदा जला कर और खुदाम का ये छोटा सा फेर खुदाम का खुशी की अलामत है खुदाम का तुमने मुकदस कर पाता है और खुदाम जब आज आकाश आ रहा है तो खुदाम तेरा हाथ एक बार कर उसके साथ हो और खुदाम का ये प्यार और मोहब्बत में हमेशा बहम रहे हैं तो तेरा नाम इनमें इज्जत पाए जलाल पाए ना उस मान इनकी मदद करना इनकी रहनमाई करना हमारे बाप जैसे ये आकाश के 24 को बर्थडे भी है, उसका भी हम केक काटेंगे और उसकी 2 मंथ है ना, हैप्पी बर्थडे आकाश एडवांस में। ये पहले से हो रहे तुम्हारे बर्थडे, तो ये अप्रैल 24 इसकी बर्थडे भी है, तो इसकी वेडिंग को भी 2 मंथ हो गए, तो ये केक काट के जाता है। आज की बर्थडे हुई है ना, आज केक कट हो गया, आज हां हो गया केक कट हो गया। काविश को तंग कर रहे हैं, काविश को गिटार लेके जा रहा है, वैसे ही लेके नहीं जा रहा, मतलब उसको कर रहा है जैसे मैं लेके गिटार या पानी ले जाओ, गिटार निकाल। अभी हम बाहर निकल रहे हैं, मम्मा आ गई, तो गाड़ी निकली हुई है, गाड़ी निकली हुई है, खाली करें चलो यार। हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए, तो मैं दिखाता हूं आपको एयरपोर्ट। ये सामने ये आकाश जा रहा है। कल का मेरा गला ख़राब हो गया पिकनिक में नहाना, गला पानी गया ना तो केमिकल वाला पानी है।
3 बजने में 10 मिनट हैं, तो बोर्डिंग इसके स्टार्ट हो गई होगी, देखते हैं जाके। तो इसका जो वो है ना, इसकी जो फ़्लाइट है वो 4:40 पे है, तो अभी टाइम है बोर्डिंग का, तो 3 बजने तक पहुंच गए हैं। सही है, आपको दिखाता हूँ बाकी। आप आकाश को छोड़ दिया हमने, तो कॉल वगैरह आई कि उतनी देर तक हमने वेट किया, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो 1 घंटा वेट किया हमने, तो लगता है उसकी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर होगी होगी, तो लॉन्च में जाके बैठ के क्या पता वाईफाई कनेक्ट हो, तो फिर वो करे कि क्या सिग्नल्स नहीं आ रहे हमारे कराची के, तो कोई इशू चल रहा है, तो देखते हैं अभी घर निकलते हैं हम लोग। जी गाइस, तो आकाश को हमने छोड़ दिया था, तो आकाश खैर खैरियत से शुक्र है पहुँच गया। अभी टाइम हो रहा है 11:30, मतलब 11:30 हो रहे हैं, तो मेरा भी जिम ख़त्म हो गया। जिम की एक्सरसाइज मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं जिम का व्लॉग ही नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो अभी आकाश खैर खैरियत से पहुंच गए, तो आज का व्लॉग मेरा छोटा सा था, इतना सा था, तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि दिल नहीं था कर रहा मेरा बनाने का, क्योंकि वो जा रहा था तो काफ़ी दिन उसके साथ रहे, तो फिर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो अभी चलें, ये तो उसने जाना था, अब आ जाएगा, जल्दी जल्दी आएगा, दिसंबर में आएगा, तो उससे पहले जो जो व्लॉग होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी जिम ख़त्म हो गया, तो मैं घर से फरमाइश आई है, आपको भी आती होगी अगर आप घर से बाहर निकल जाए, तो पीछे से जैसे फ़ोन आ गया कि घर पे ये खाने के लिए ले आना, ये ले आना, वो ले आना, तो मैं भी अभी कुछ लेने ही आया हूँ। मैं बाइट्स फॉर लाइफ आया हूँ, यहाँ का पिज़्ज़ा फ्राइज बहुत अच्छे अच्छे बॉटलें मेरे साथ आया, ये हैंड्रिक माई फ्रेंड, ये मेरे जिम में साथ ही होता है, तो जिम करके अभी हम बस पिज़्ज़ा फ्राइज लेके फ़ौरन घर पर निकले। ये है चिपोटले फ्राइज, ये रहा चिपोटले मीडियम रेगुलर, एक चिपोटले रेगुलर कर दे भाई। ये हमने पिज़्ज़ा फ्राइज ले लिए हैं, बाइट फॉर लाइफ, हैंडिक फॉर वेटिंग फॉर मी। चलो अपनी पराठो रेडी करो, पराठो निकालो अपनी, हम पराठो में जाएंगे अपनी। शुक्र है खुदा का, हमारी पराठो बहुत ज़बरदस्त, हमें धोखा नहीं देखा। अभी हम शेक देने जाएंगे, हम दिखाते हैं आपको शेक। ये बिजी बॉय है, ये बहुत बिजी है, अभी हम जूस पियेंगे, जूस ऑर्डर दे दिया हमने, सामने शॉप है, तो जैसे जूस आता है हम दिखाते हैं। जूस कौन सा है? कॉकटेल। जिम वालों के लिए तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, तो हम बनवाते हैं मिक्स चीकू बनाना, और काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें बीच में, वो फिर समझा करें ना, बता नहीं सकते, बता दो। खैर है, कोई खा के अच्छा ही हो जाएगा, पी के बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अच्छा होता है ना बताना, इतनी चीज़ें तो बता ही दी हैं। पाइन एप्पल होता है उसमें, और उसके बाद पपीता होता है, स्ट्रॉबेरी होती है, ये सारे फ्रूट डाल रहे हैं इसके अंदर, अब जो नहीं भी पीता वो भी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये आप हमारा शेक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये थैली के अंदर है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखिए अगर आप बाहर जाते हैं ग्लास कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो इसलिए उनके पास वो डिस्पोजिबल जो ग्लास होते हैं ना वो नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, शॉपर भी है, वो अच्छा है, पैक है, हम पिएंगे आराम से, अब शेक पी के आपको घर जाके मिलते हैं। गाइस आपको मैं दिखाता हूँ इसको, ये कैसे है कैसे नहीं है, सही इसके फीस दिखाता हूँ आपको। ये इनका नंबर है, और बेड फॉर लाइफ, किसी को अगर ऑर्डर भी करना हो तो अपने घर से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ टॉपिंग होती है चीज़ की, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ।
चीज और चिकन होता है। अभी मैं खा के आपको दिखाता हूँ कैसे। जी गाइस, अभी हम घर पे आ गए हूँ, खाना खा लिया। तो आज का ब्लॉग मेरे इतना ही से था, छोटे से था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें मेरे ब्लॉग्स को, ताकि आप आगे ब्लॉग्स को जो आगे आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि मुझे सब्सक्राइब वगैरह और वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी और वीडियो दिखा सकूँ। और अभी एक ट्रिप है मेरा, तो वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं जाऊँगा। तो अभी एक और मेरा एक इवेंट आ रहा है, एक मेरी फ्रेंड है तो उसकी आ रही है डेट फिक्सिंग में एंगेजमेंट, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।